हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिक्स हिंदी मीडियम साइंस की क्लास। बेटा, आपको मैंने पार्ट 1, 2, 3 तीनों के प्रश्न उत्तर आपको दे दिए थे। आपके एक्सरसाइज तीनों के मिल चुके हैं। 14 तारीख से आपके टेस्ट हैं, यूनिट 1। आपने देख लिया होगा, आपका टाइम टेबल भी आ गया होगा और आपको सिलेबस मैंने बता ही दिया है। लेसन 1, 2, 3 आपका आएगा, तो आप तैयारी करें। आपको पार्ट 3 तक तो मैंने प्रश्न उत्तर करा दिए थे, पार्ट 4 भी आप कर लीजिए, क्योंकि अब जहाँ तक पढ़ाई की है हमने वहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर लेते हैं, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो। अब जैसी लेसन कंप्लीट होते जाएंगे ना, वैसी एक्सरसाइज करते जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए अब साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज आपका करने। आपका पार्ट 1, 2, 3 तो मैंने करा ही दिया है, टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा आप। उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, टेस्ट के लिए आप तैयार हो, क्योंकि मैंने आपको टेस्ट के लिए एक्सरसाइज करा दी। पार्ट 4 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना, इसका एक्सरसाइज हम करते हैं शुरू। तो आपका अभ्यास शुरू करते हैं। आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना अभ्यास क्या है। बच्चों देखो, प्रश्न 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पांच वस्तुओं के नाम लिखिए। पांच वस्तुओं के नाम लिखिए। इसमें आपको कोई पांच वस्तुओं के नाम लिखने हैं, तो प्रश्न 1 है आपका, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पांच वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपका पहला कुर्सी, ये लकड़ी की बनी होती है। दूसरा बेंच, ये जिस पे आप स्कूल में बैठते हो। तीसरा अलमारी भी आपकी लकड़ी से बनी होती है। चौथा आप दे सकते हैं कुर्सी, बेंच, अलमारी, मेज, और पांचवा दे सकते हैं कुर्सी हो गई, मेज हो गया, बेंच हो गई, अलमारी हो गया, और लकड़ी से आपके क्या बन सकते हैं, और एक आप और भी कोई भी वस्तु लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी से बनने वाली में आप बेंच या बैट, क्रिकेट ऐसे भी लिख सकते हैं, बल्ला अर्थात बैट, बल्ला हिंदी में बोलते हैं और वैसे बैट आप इंग्लिश में बोलते हैं। पांच वस्तुओं के नाम हो गए। प्रश्न 2 है आपका, निम्नलिखित में से
चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। आपके दिए हुए नाम हैं कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच और नेक्स्ट है सूती कमीज। ये आपके दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि चमकदार पदार्थ कौन कौन से हैं। तो बेटा आप इसमें लिख सकते हैं कि चमकदार पदार्थों का चयन में कि कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें उत्तर आप दे सकते हैं कि चमकदार पदार्थ आपके कौन कौन से हैं बच्चों। चमकदार पदार्थ का इसमें नाम ऐसे लिखेंगे, चमकदार पदार्थ, ये आपका उत्तर है। ये उत्तर में लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब चमकदार पदार्थ कौन से हैं तो आप इसके उदाहरण लिख देंगे। पहला कांच की प्याली, ये भी चमकदार है। और दूसरा आपका प्लास्टिक का खिलौना, ये भी चमकदार हो सकता है। तीसरा स्टील का चम्मच, ये भी आपका हो सकता है, केवल आपका नहीं हो सकता, वो केवल एक ऑप्शन है, सूती कमीज। सूती कमीज नहीं हो सकता, तो आपका है स्टील का चम्मच, ये भी आपका उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों केवल आपका सूती कमीज नहीं है, तो आप उत्तर में ऐसे लिख लेंगे कि चमकदार पदार्थ कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सिर्फ सूती कमीज नहीं है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, प्रश्न तीन क्या है, अब आप देखें। ये सब कॉपी में आप उतार लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित वस्तुओं का निम्न पदार्थों से मिलान कीजिए। परंतु एक से अधिक पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को वस्तुओं को
भी दर्शाइए। ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आप देख लें क्या है इतना बड़ा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न 3 है ये बेटा। निम्नलिखित वस्तुओं का निम्न पदार्थों से मिलान कीजिए, परंतु एक से अधिक पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को भी दर्शाइए। तो आप इसका उत्तर कैसे देंगे बेटा? पहले जैसे आपका लिखा हुआ है ना, इधर लिखा है आपका वस्तु, आपका दिया गया कॉलम है वस्तु, इधर दिया आपका पदार्थ। अब देख लीजिए कौन कौन सी वस्तुएं। पहली है पुस्तक, दूसरी है गिलास, और तीसरी है कुर्सी, चौथी है खिलौना, ठीक है। इसी तरह से इसमें है पहला कांच, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है कागज, कागज, चौथा है चमड़ा, ठीक है। अब इनका पांचवा जो है वो है पांचवा जूते, और इधर पांचवा है प्लास्टिक। तो आपने देखा कि पांच आपको दिए हुए हैं वस्तु, पहली पुस्तक, दूसरी गिलास, तीसरी कुर्सी, चौथा खिलौना, पांचवें जूते, और पदार्थ का नाम दिया हुआ है पहला कांच, फिर लकड़ी, फिर कागज, फिर चमड़ा, फिर प्लास्टिक। तो आप इनको किस प्रकार से लिखेंगे बेटा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो लिखने का तरीका देखिए, आप उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर में आप एक कॉलम बनाएंगे, उत्तर 3, आप एक कॉलम बनाएंगे उत्तर 3 में, और उसके अंदर दर्शाएंगे, देखिए इधर वस्तु में और इधर पदार्थ। वस्तुएं और पदार्थ, वस्तुएं और पदार्थ। अब पहला है इसमें पुस्तक, दूसरा है गिलास, तीसरा है कुर्सी, चौथा है खिलौना, और पांचवा है जूते, ठीक है। अब पुस्तक में आप जो है लिख सकते हैं पदार्थों के नाम। पुस्तक किसकी बनी होती है आपके बेटा? पुस्तक केवल कागज से निर्मित होती है, ये जो पदार्थ दिए हैं, ना तो आपके कांच से, ना लकड़ी से, ना चमड़े से, ना प्लास्टिक से, तो पुस्तक केवल कागज से बनी होती है। गिलास में तो आप कांच दे सकते हैं, और कांच के अलावा प्लास्टिक दे सकते हैं, यानी प्लास्टिक की भी गिलास होती है और कांच की भी होती है, ठीक है। ना चमड़े की होती है, ना कागज की होती है, ना लकड़ी की होती है। अच्छा, कुर्सी तो आपकी लकड़ी की होती है और कागज की होती नहीं, चमड़े की होती नहीं, प्लास्टिक की होती है। तो ये आप इस तरीके से आप अपना उत्तर देंगे। खिलौना आपका जो है लकड़ी का, कागज का, चमड़े का, प्लास्टिक का, खिलौना भी प्लास्टिक का,
बटा लकड़ी। जूते हैं आपके वो चमड़े, चमड़ा और प्लास्टिक, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना उत्तर देंगे, क्योंकि जूते ना तो कागज के हो सकते हैं, ना लकड़ी के और ना कांच के, तो आप उस तरह से अपने उत्तर को देंगे। इस प्रकार बच्चों आपने आज पाठ चार का अभ्यास प्रश्न में तीन प्रश्नों का उत्तर जान लिया। प्रश्न तीन का उत्तर आपको इस तरह से देना है कि आपको पांच पहले वस्तुएं लिखनी है, पदार्थ तो आपके जितने दिए हुए हैं उनमें से छांट छांट के लिखना है। जैसे पुस्तक केवल कागज की हो सकती है, गिलास कांच और प्लास्टिक दोनों का हो सकता है, कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक दोनों की हो सकती है, कांच की और कागज की नहीं होती, खिलौना आपका प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, जूता भी आपका चमड़े का हो सकता है और प्लास्टिक का हो सकता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आपका पार्ट नेक्स्ट वीडियो। बाय।